अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज आपको ये बताना था कि हमारे शेरू की तबीयत भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो चुकी है। शेरू अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसको एक दो दिन दवाई वो देनी है ताकि ये बिल्कुल जो इसके अंदर से बीमारी थी वो ख़त्म हो जाए। और दवाई क्या दी थी हमने इसको बाद में आपको बताएंगे, ताकि आप भी अल्लाह ना करे आपके कोई परिंदे वगैरह बीमार हो तो उनको दवाई देकर उनको सही कर सके। और जो हमारा बटेर का सुस्त हुआ था आज माशाल्लाह वो भी काफ़ी बेहतर हुआ हुआ। बस आप दुआ करिएगा कि हमारे सारे परिंदे सही रहे, क्योंकि अब ठंडा मौसम भी हो चुका है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर हवा चल रही है। लेकिन अभी ये कि हमें तो इतनी नहीं लग रही, परिंदों के हिसाब से थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई है। और अभी ठंड कुछ भी नहीं, और आगे ठंड और आने का मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि अभी तो मौसम स्टार्ट हुआ है सर्दियों का, तो उसके लिए बहुत सारे परिंदों की केयर भी करनी पड़ेगी। तो कोशिश करेंगे दिन में भाई वीडियो बनाए, ताकि ये कि दिन में वीडियो बन जाए और रात में फिर थोड़ा बहुत दिखा के आपको वीडियो को एंड करेंगे। और आए चले आपको पहले शेरू दिखाता हूँ अपना कि माशाल्लाह शेरू बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं आज बजीज भी देखूंगा अपने, क्योंकि मुझे भी इनको देखे काफ़ी टाइम हो गया, उनके बच्चे भी नहीं देखे अभी, कितने बच्चे बड़े हुए हैं और कितने बच्चे अंदर मटकी में। पहले शेरू को खोलता हूँ, उसके बाद बजीज देखेंगे बाद में। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह शेरू बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन दो चार दिन इसको बुखार हुआ, बुखार में ही इसका हाल ऐसा हो गया था। देखिए अभी दाना भी मेरे हाथ में नहीं खा रहा, क्योंकि थोड़ा सा फीमेल की वजह से कंफ्यूज हो रहा, इसकी वाइफ उधर घूम रही है तो ये अकेले का मेरे हाथ में कैसे रहेगा। और ये इतना कमज़ोर हो चुका, मतलब जिसका वेट था बहुत ज़्यादा वेट इसने लॉस कर दिया अपना। तो दोस्तों हमारी जो शेरू की फीमेल है उसने माशाल्लाह आज दूसरा अंडा दे दिया, और अभी अंडे मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बस कोई वजह है कि अंडा ना दिखाने की। उसके बाद जब अंडे इसके जमा हो जाएंगे, खुड़क हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वहाँ से दूसरे अंडे भी लाएंगे, फैंसी अंडे। मैंने अपने भाजन को बोल दिया अभी कि भाजन वो अंडे ले लेना, क्योंकि उनके कोई दोस्त है जिनके पास फैंसी अंडे होते हैं, तो इंशाल्लाह वो फेक नहीं होगा। जैसे पहले हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, उसने बोला था फैंसी अंडे, और एक बच्चा निकला था वो भी अस्ट्रल लोग का, तो वो आपको पता ही है कि वो उतना ही मर गया था, पहले वीडियो में आपने देखा होगा। तो इंशाल्लाह आपके पास जो फैंसी मुर्गियों के अंडे लेके आएंगे, वो इसके अंडों के साथ मिला के रखेंगे, क्योंकि इसके अंडे रखने भी लाजमी हमें इस मुर्गे की ब्रीड चाहिए। और ये मुर्गा तो हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं भैया हुआ है पंजाब से, तो इस वजह से हमें जब भी बीमार हुआ था तो सिर्फ मुझे नहीं, पूरे घर वालों को, भाइयों को, सबको टेंशन हो गई थी कि इस मुर्गे को क्या हो गया हमारे शेरू को। तो अल्लाह पाक का बहुत करम ऐसा नहीं कि माशाल्लाह हमारा शेरू बिल्कुल ठीक हो चुका है, और इसके लिए बहुत मेहनत करी, छोटे भाई ने भी इसको दवाइयाँ दी सुबह शाम आके। तो बस आप दुआ करिएगा ये बिल्कुल सही रहे, और इसके बच्चे अच्छे ब्रीड निकले इसकी, जो हमारे सेटअप पर अच्छी लगे। तो दोस्तों शेरू ने दाना खा लिया, मैंने इनको शेरू को बंद कर दिया, और अब चूजे को खोल लेता हूँ अपने। ये भी बाहर आने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, देखें आप। हाँ, ये चूजे बाहर आकर देखें, कल बटेर को मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा बीमार था, और आज माशाल्लाह बहुत बेहतर है पहले से। ये चूजे तो सारे बाहर आ गए, छः के छः, और बाकी खरगोश और बटेर अंदर रह गए, तो इनको मैं निकाल देता हूँ। ये देखें एक बटेर तो बाहर आ गया, ये मिस्री मुर्गी जो ये भी अंदर चली गई थी। गेट बंद कर देना सर, ताकि थोड़ी सी हैं। हाँ निकाल लिया, अब इसको दवाई पिला के फिर इसको बंद कर, खाना तो खा लिया। तो दोस्तों बटेर को तो दवाई पिला दी, अब ये थोड़ी सी दवाई बची है तो शेरू को पिला देते अपने, वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो थोड़ी सी और दवाई दे देता हूँ उसको, ताकि वो और बेहतर हो जाए।
तो दोस्तों इसको तो दवाई पिला दी है, अब चलते हैं अपने बजे इसकी कॉलोनी की तरफ, इनके केज की तरफ। इनको भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, कैसी ब्रीडिंग कर रहे हैं, किस किस ने अंडे बच्चे दिए, तो वो देखते हैं पिलाने। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ एक कोने वाली मटकी में बच्चे हैं, तीन बच्चे शायद हैं, और बाकी तीनों मटकियाँ खाली हैं। ये फीमेल भी अभी हो सकता कुछ दिनों में अंडे दे, और ये वाली वाइट वाली फीमेल जिसने बच्चों को मारा था उस फीमेल के, तो ये भी इंशाल्लाह कुछ टाइम में अंडे दे देगी, और ये वाली फीमेल भी कुछ टाइम में अंडे दे देगी। अभी तो खैर किसी ने नहीं दिए, ये वाली फीमेल है जिसके बच्चे थे जो मर गए, ये वाइट वाली फीमेल ने मारा था, और ये इस वजह से अभी रुकी हुई क्योंकि इसके लिए नई जगह है बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगी सेट होने में। और ये वाली फीमेल सेट हो चुकी है तो इंशाल्लाह कुछ टाइम में अंडे दे देगी। ये बजिश के दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसका पानी रोज़ चेंज करना पड़ता है, डेली पानी इतना गंदा करते हैं, माशाल्लाह दाना भी सही खाता है। और इनके केजेस की सेटिंग इस तरह मतलब करनी पड़ती है, कुछ भाई हैं जो सेटिंग सही से नहीं कर पाते, उसको कहते हैं कि हमारे बजिश अंडे बच्चे नहीं कर रहे। तो जब तक इनको एक प्राइवेसी मतलब सिक्योर जगह नहीं मिलती और इनकी मटकी वगैरह सेटिंग से नहीं लगती, जब तक अंडे बच्चे नहीं करते। मेरे एक दोस्त हैं वो भी मुझसे बोल रहे थे कि यार मैं बजीज काफ़ी टाइम से रखे हुए लेकिन उन्होंने अंडे बच्चे अभी तक के नहीं किए हमारे पास। तो मैंने उनको ये कहा था मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, दिखा दूंगा तरीके का। तो देखें ये जो जो भाई अगर बजीज पालते हैं कोई किसी को शौक है तो इस तरह सेटिंग करें ऐसी कि एक मटकी और इसकी मटकी में इतना गैप होना चाहिए। वैसे तो खैर मैं बीच बीच में एक और लगाने का इरादा है जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, अभी माशाल्लाह ज़्यादा, लेकिन अभी हमारे पास मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। चार फीमेल है, चारों फीमेल मेलों के साथ लगी हुई, और बाकी चार पांच मेल जो हैं वो एक्स्ट्रा है, तो उनको सेल करके या तो आधे मेल सेल करके आधे फीमेल ले आएंगे, क्योंकि इनके एज की नहीं है, और अगर बच्चों का इंतज़ार करेंगे तो बच्चे बहुत टाइम में निकलेंगे, और ये मेल जो है काफ़ी एज के हो गए, इस वजह से इनके लिए फीमेल लानी पड़ेगी। तो दोस्तों इनको खोलना रह गया था, इनको भाई ने खोला नहीं, ये देखा है, फिर इनको खोल लेता हूँ ताकि ये भी दाना वगैरह खा लें, फिर अपने फिनचिड़िया वगैरह भी देखते हैं। तो दोस्तों डायमंड अब तो हमारी बहुत ज़्यादा सेट हुई हुई, क्योंकि ये जो बास्केट हमने लगाई है इसमें इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, ब्रीड करने का इसका कोई भी इरादा नहीं है, वरना इसकी ब्रीड तो इतनी फास्ट है कि बस बच्चे बड़े होते हैं उसके बास्केट से बाहर आते हैं दोबारा अंडे दे देती है। तो इसकी बास्केट वही वाली चेंज करनी पड़ेगी, छन्नीन की आती है अलग टाइप की, जो हमने पहले लगाई थी हमने यहाँ पर लगा दी इसके बच्चों के केज पर, ये वाली निकाल देंगे या तो फिर इसके लिए एक नई लेके आ जाएंगे। मेल तो उधर जाके बैठता है लेकिन ये फीमेल बिल्कुल ऐसे पैर फुला के बैठी हुई रहती है, इसका बिल्कुल भी इरादा नहीं है उसमें जाने का, शायद इसको पसंद नहीं आ रही हो इस वजह से ये मानी जाती। ये हमारे लव बर्ड जो है ये सिर्फ खेलने के लिए एक दूसरे के साथ कभी छोटे लटके हुए होते पागलों की तरह, कभी उधर मटकी के पीछे घुसे होते, देखे अभी भी एक मटकी के पीछे घुसा हुआ। अभी ये पता नहीं मेल है फीमेल है इसमें ये भी कंफर्म नहीं होता, मेरे ख्याल में वाला मेल है पीछे और ये वाली आगे वाली फीमेल है, तो बस ये बस इस तरह लड़ते भी रहते हैं एक दूसरे के साथ। अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ देख रहा था, दोनों आपस में लड़ रहे थे, एक उसके ऊपर जैसे कुश्ती हो रही होती है, तो उस तरह से इस तरह ये लड़ते रहते हैं खेलते रहते हैं। ब्रीड करने का इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है, ना कोई इनका मूड लगता है ब्रीड करने का। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ मैंने देखा कि इसका दाना पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दाना तो है इसमें प्याले में इसके लेकिन पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसे पानी में डाल देते हैं हाथों हाथ। वो जो हमने नेस्टिंग मटेरियल यहाँ डाला था तो अभी जितना आपको पड़ा हुआ दिख रहा है इससे डबल डाला था, ये उठा उठा के इसमें अपनी टोकरियों में लेके चले गई और इन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें जमा कर लिया। वो देखें जिसका होल था ये इतना बड़ा भाई ने रखा था जो हाथ से हमने नेस्टिंग करी थी, लेकिन इन्होंने होल इसका बिल्कुल छोटा कर दिया जो अंदर जाने की जगह है। तो दोस्तों भाई ने ये मुर्गा मुर्गी को खोल दिया था छोटे वाले, इन्होंने दाना वगैरह खा लिया, इनको भी मैं बंद कर देता हूँ, सबके दाना पानी हो गया। तो यही थी आज की वीडियो, वैसे तो आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।